वेलकम बैक नाजीन, अब कुछ बात कर लेते हैं साबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला की। उन्होंने कसम खाकर क्या कहा, जेल से रहाई के फौरी बाद फैसलाबाद में अपने डेरे पर पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनके खिलाफ मंशियात फरोशी का ड्रामा रचाया गया, झूठ और दरोगोई से काम लिया गया उनके केस में और उसकी वजह से उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। आइए नाजीन देखते हैं उनका मजीद क्या कहना था इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्ला ने जेल से रिहाई पाते ही कुरान पाक हाथ में उठाकर खुद पर लगने वाले इल्जामात से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उन पर लगने वाले इल्जामात में सच्चाई है तो इन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, ये इल्जामात झूठे हैं और जिन लोगों ने जानते बूझते ये झूठे मुकदमात कायम किए हैं उन पर अल्लाह ताला का कहर और गजब नाजिल होगा। जेल से रिहाई के बाद फैसलाबाद में अपने डेरे पर पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर कानून राणा सनाउल्ला ने कहा कि उनके खिलाफ मुनशिया फरोशी का ड्रामा रचवाया गया, ये इस मुल्क की तारीख का बदतरीन गंदा तरीन और घटिया तरीन सियासी इंतकाम था। उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाकर कहा कि मैं अल्लाह के इस कलाम पाक को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हीरोइन का नशा नहीं किया, अगर मैंने एक बार भी हीरोइन का नशा किया हो तो अल्लाह ताला अपना कहर और गजब मेरे ऊपर नाजिल करे। ये इस मुल्क की तारीख का बदतरीन गंदा तरीन और घटिया तरीन जो है वो ये सियासी जो है वो इंतकाम था। मैं अल्लाह के इस कलाम को गवाह बना के ये बात कहता हूं कि मैंने पूरी जिंदगी में मैंने हीरोइन का नशा नहीं किया, मैंने अगर एक बार भी हीरोइन का नशा किया हो तो अल्लाह ताला अपना कहर और गजब जो है वो मेरे ऊपर नाजिल करे। मैंने पूरी जिंदगी में, मैं पिछले 25-30 साल से मैं MNA हूं, मैं MPA भी रहा हूं, 10 साल जो है वो मैं वजीर कानून रहा हूं, मैंने इन 25 सालों में किसी एक हीरोइन फरोश या ड्रग पेडल की जो है नजायज फरोश की मैंने सिफारिश की हो, मैंने एक टेलीफोन किया हो किसी अथॉरिटी को कि इस जो है वो मंशियात फरोश को या इस जो है वो नशा बेचने वाले को जो है वो इसके साथ को रैद कर दो या उसकी मैंने सिफारिश की हो, अल्लाह ताला का कहर और गजब मेरे ऊपर नाजल हो। राणा सनाउल्ला का मजीद कहना था कि अल्लाह के कलाम पाक को गवाह बनाकर सच कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा बनाया, अल्लाह ताला का कहर और गजब उन लोगों पर नाजिल होगा। और अगर ये मैं सच कह रहा हूँ और अल्लाह के फजल से सच कह रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सच कह रहा हूँ, मैं अल्लाह के इस पाक कलाम को गवाह बना के सच कह रहा हूं, तो फिर जिन लोगों ने ये जुल्म किया, जिन लोगों ने ये झूठा मुकदमा जो है वो मेरे खिलाफ बनाया, अल्लाह ताला का कहर और गजब उनके ऊपर नाजल होगा। और जिन लोगों ने उन्हें ये हुक्म दिया कि आप ये मुकदमा बनाएं, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला का कहर और गजब नाजल होगा। और वो लोग जिन्होंने अपने सियासी मकासद की खातर और इख्तियार रखते हुए और ये जानते हुए कि ये एक झूठा मुकदमा है, 6 माह तक उन्होंने कोई इसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं लिया, अल्लाह ताला का कहर और गजब उनके ऊपर जो है वो नाजिल होगा। मुस्लिम लीग नून के रानुमा ने कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी के वक्त अगर 100% मुस्लिम लीग नून के साथ थे तो अब वो मुस्लिम लीग नून और अपने कायद नवाज शरीफ के साथ 1000% खड़े हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ केस में हेरोइन गोदाम से निकाल कर उन पर डाल दी गई और 10-15 सरकारी मुलाजमीन गवाह बना दिए गए, वो तो बेचारे जो ये कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि ANF में लोग डेपुटेशन पर भी आते हैं, इसलिए मैंने आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और अगर उनका ये मकसद ये था तो यकीनन 1 जुलाई को मैं 100% अपनी जमात के साथ खड़ा था, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा था। आज मैं 1000% अपनी जमात के साथ खड़ा हूं और अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। इन चीजों से जो है, इन हथकंडों से आप किसी को जो है वो रोक नहीं सकते। और इंशाल्लाह ताला इस किस्म के हरबे और इस किस्म का घटिया सियासी इंतकाम जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो कामयाब नहीं होगा। हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। मैं इसे गवाह बना
राणा सनाउल्ला को आपने सुना, अब बात कर लेते हैं हमजा शहबाज की। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में मायूसियों के डेरे और हुकूमत के बुलंदोबांग दावे हैं। ऑरेंज लाइन नहीं चल सकी, बीआरटी मंसूबे पर अभी तक खड्डे हैं, हकूमती कारकर्दगी सिफर है। आइए नाजरीन देखते हैं उनका मजीद क्या कहना है। हमजा शहबाज ने कहा, एहतसाब का दोहरा निजाम है, ये कौन सा नया पाकिस्तान है? आज पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में मायूसियों के डेरे और हुकूमत के बुलंदबांग दावे हैं। ऑरेंज लाइन नहीं चल सकी, बीआरटी मंसूबे पर अभी तक खड्डे हैं। आज भूख गरीब आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हुकूमत का जी भरा नहीं, गैस बिजली की कीमतें बढ़ाने का इरादा है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं? शहबाज का कहना था कि पंजाब हुकूमत बताए 14 माह में कौन सा मंसूबा मुकम्मल किया, हवाओं का रुख बदल कर फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम कायदे आजम का यौम पैदाइश तो मनाते हैं मगर उनके फरमोदात पर अमल नहीं करते। 25 दिसंबर मनाते वक्त दिल में शर्मिंदगी होती है, हम कायद के उसूलों पर अमल नहीं करते। बेनजीर अजीम लीडर थे, हम सियासी इख्तलाफ में मोहसिनों को भूल जाते हैं। उम्मीद तो अल्लाह ताला से है और और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मुताबिक से जब सेहत याब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अपने वतन लौटेंगे, लेकिन फिलहाल डायग्नोज नहीं हो रहा है। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह सरकार जो अल्लाह ताला को सेहत याब करा सके। हमजा शहबाज को आपने सुना, आप कुछ बात कर लेते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से। पंजाब असम्बली में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। मस्कूरा करारदाद सूबाई वजीर अमार यासिर की जानिब से जमा कराई गई। इस करारदाद का मतन क्या था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ पंजाब असम्बली के अरकीन ने मुत्तफिका तौर पर मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली में हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। मस्कूरा करारदाद सूबाई वजीर अमार यासिर की जानिब से जमा कराई गई थी। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया है कि गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ सऊदी अरब जैसे इकदाम उठाए जाएँ और सोशल मीडिया पर सऊदी अरब जैसा स्क्रीनिंग और फिल्टर का निज़ाम लगाया जाए। करारदाद के मतन में मजीद कहा गया है कि ऐसी किताबें जिनमें गुस्ताखाना मवाद मौजूद है उन्हें फौरी कब्जे में लिया जाए। सूबाई वजीर अमार यासिर का कहना था कि आज़ादी इजहार की आड़ में कुछ लोग सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद अपलोड करते हैं, इस किस्म की गुस्ताखाना पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब बात कर लेते हैं नाजरीन कराची में सर्दी की। शहर कायद के बाद इलाकों में सुबह सवेरे हुई बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि कोयटा शहर में सर्दियों की पहली बर्फबारी का आगाज़ हो गया है। जाड़ा आ गया है, लोगों ने गर्म अलबुसात पहनना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं। वादी कोयटा और गिरदोनवा में सुबह सवेरे बर्फबारी हुई, जो रवां साल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी के बाद मुतअद्दिद शहरी मौसम का मजा लेने के लिए घरों से निकल आए हैं। कुछ शहरियों ने बर्फबारी के मौसम में गरम गरम नाश्ते का मजा लेने के लिए होटलों और रेस्टोरेंट का रुख कर लिया है। इसके अलावा पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी और धुंध का राज कायम है। कराची के बाद इलाकों में सुबह सवेरे हुई बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया, जबकि कोयटा शहर में सर्दियों की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया है। कराची में चलने वाली कड़ाके की तेज़ ठंडी हवाओं ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया है। शहर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी भी हुई है, जबकि बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। नाजरीन शामिल कर लेते हैं अब एक अफसोसनाक खबर। शहर कायद में 6 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई। तहम इमारत को चंद घंटों कबल खाली कराए जाने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर
रिकायत के इलाके रणछोड़ लाइन में 6 मंजिला मखदूश इमारत जमीन बोस हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची में रणछोड़ लाइन सूमरा गली में एक तरफ झुकने वाली इमारत बिलाखिर जमीन बोस हो गई। खुशकिस्मती से मखदूश इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया था। इमारत एक तरफ झुकने पर तमाम मकीनों को बरवक निकाल लिया गया था। गिरने वाली इमारत में मौजूद 19 फ्लैट में शहरी रिहायश पजीर थे। मखदूश इमारत जिस जगह गिरी इस जगह पर खाली गोदाम थे। वजीर आला सिंह मुराद अली शाह ने मखदूश इमारत गिरने का नोटिस ले लिया। वजीर आला सिंह ने DGSBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर आला का कहना है कि ऐसी इमारतों की तामीरातों की इजाजत कौन देता है जो गिर जाती है। मुराद अली शाह ने गैर कानूनी तौर पर इमारतों की तामीर में मुलव्वस अमले को सजा देने का हुक्म दे दिया। जराए का कहना है की गिरने वाली इमारत साबिक DG मंजूर कादिर उर्फ काका के दौर में कायम की गई थी। इस वक्त के असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने एतराजात उठाए थे। साबिक DG और SBCA अफसरान की मिली भगत से इमारत को बनाया गया था। 3 साल पहले बिल्डिंग के नीचे बने गोदाम में आग लगने से इमारत मुतासिर हुई थी। डायरेक्टर SBCA सदर टाउन का कहना है कि मखदूश इमारत को कई बार खाली कराने के अहकामात दिए जा चुके थे। गोदाम बनाने के लिए इमारत के नीचे पिलर्स कायम कर दिए गए थे। बिल्डिंग 23 साल पुरानी है। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इमारत के बारे में मुतल्लिका हुकाम की शदीद कोताहियां भी सामने आ गई। 3 साल पहले इमारत की बेसमेंट में कायम गोदाम में आग भी लगी थी। इदारों ने इमारत खाली कराने का नोटिस दिया और सो गए। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि सिंध के शहर सक्कर की 3 मंजिला इमारत गिरने से जाबाग होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई, जिनमें खातून और बच्ची भी शामिल हैं। वाकये में 16 अफराद भी जख्मी हुए। इनका जिम्मेदार कौन है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के शहर सक्कर की 3 मंजिला इमारत गिरने से जाबहक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई, जिनमें खातून और बच्ची भी शामिल हैं। वाकये में 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। सक्कर के हुसैनी रोड पर 3 मंजिला रिहायशी इमारत धमाके से गिर गई, जिसके मलबे तले मुतादिद अफराद दब गए। 3 मंजिला इमारत में 4 भाइयों के खानदान आबाद थे, जबकि नीचे दुकानें थी। इमारत गिरते ही बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। इतना मिलते ही इमदादी टीमें, रेंजर्स और पाक फौज के जवान मौके पर पहुँच गए। सिविल अस्पताल सक्कर में इमरजेंसी नाफिज़ कर दी गई। कमिश्नर सक्कर शफीक अहमद महीसर का कहना है की इमारत गिरने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक नाकिस मटेरियल या फिर इमारत को नक्शे के मुताबिक तामीर नहीं किया गया होगा, ताहम इसकी तफ्तीश की जाएगी। दूसरी जानिब जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाकये का नोटिस देते हुए कमिश्नर सक्कर से रिपोर्ट तलब करनी है। पाकिस्तान दिस वीक से नाज़रीन फिल वक्त इतना ही। मजीद टॉप स्टोरीज के लिए आइंदा हफ्ते तक अपने मेजबान वकार हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेकबान।